एक चौकीदार के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह यहाँ की शराब बिहार में स्मगल कर रहा है। पुलिस को जब इसकी पुष्टि हो गई तो पुलिस ने उनके घर दबिश डाला। दबिश में दो तरह की कुल 131 पेटी शराब जो उत्तर प्रदेश की किसी फैक्ट्री से निर्मित है वो बरामद हुई है। 4,300 रुपये नगद बरामद हुए हैं और उस चौकीदार के घर से 3 आदमी बरामद हुए हैं जो बिहार मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये तीनों व्यक्ति यहाँ शराब लेने आए थे। उनकी गाड़ी भी बरामद हो गई है, पिकअप बरामद हुई है, जिप्सी बरामद हुई है और इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी ये इस तरह का अपराध कर चुके हैं जिसकी पुलिस को जानकारी थी और तब से ही पुलिस सुरागरसी कर रही थी। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और चौकीदार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए पत्र जिला मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया गया है।